हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य विषय क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले क्लासेस में भी हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसमें गण और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स बताए गए हैं द्रव्य गुण में, उनको ग्रुपिंग की गई है। उनके कर्म के हिसाब से वो किस तरह का फंक्शन करते हैं, उसके हिसाब से इन लोगों को एक एक ग्रुप में रखा गया है, जिसको हम लोग गण भी बोल सकते हैं या फिर वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग गण और वर्ग के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें बताया गया है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे की जो भी क्लासेस अपडेट की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए देखते हैं गण में और वर्गों में क्या क्या बताया गया है आपके प्लैनेट्स के बारे में। गण और वर्ग, गण एक ग्रुप को बोलते हैं, एक वैरायटी को बोलते हैं। वर्ग बोलते हैं, एक वैरायटी होती है जिसके अंदर कुछ प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसको वर्ग बोलते हैं। और एक ग्रुप जब बनाया जाता है प्लैनेट्स का, उसके गुणों को लेके, कर्मों को लेके, उसको गण बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग औषध गण के बारे में जानेंगे। औषध गण की कैसे डिविजन्स की गई हैं और कैसे ग्रुपिंग की गई है। तो औषध गणों में ये आपका प्रैक्टिकली जो यूज होता है औषध, उसकी ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, मेडिसिन के रूप में ये यूज होता है। तो सबसे पहले आता है बृहत पंचमूल। बृहत पंचमूल में कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? बिल्व, अग्निमंत, टुंटुक, पाटला और गंभारी। ठीक है, तो आप ये सारे नाम याद रखिएगा। इसके जो लैटिन नेम्स हैं, सिनोनिम्स है, वो हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा और उसमें से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी पंचमूल, दशमूल, इस तरह से इन लोगों का ग्रुपिंग किया गया, फल के अनुसार ग्रुपिंग किया गया है। इस बृहत पंचमूल में जैसे ये जो सारे प्लांट्स बताए गए हैं, उनके मूल या रूट्स का इस्तेमाल होता है आपके मेडिसिन बनाने में। ठीक है, तो ये इस हिसाब से बृहत पंचमूल, मतलब ये बड़े प्लांट्स हैं। बिल्लो का, बेल का जो पेड़ होता है, ये बड़ा पेड़ होता है। गंभारी का पेड़ बड़ा पेड़ होता है। तो इस तरह से इसको ग्रुपिंग की गई है। नेक्स्ट आता है लघु पंचमूल। लघु पंचमूल में कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? शालीपर्णी, पृष्णीपर्णी, बृहती, गोक्षूर और कंटकारी। ये सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको लघु पंचमूल बोला जाता है। नेक्स्ट है नंबर थ्री में कंटक पंचमूल। कंटक पंचमूल में आ जाता है कर्मर्द, त्रिकंटक, सैरेयक, शतावरी और गृध्र नखी। ठीक है, गृध्र नखी। तो ये जो प्लांट्स हैं, इसमें कांटे होते हैं, ये कांटे होते हैं, इसलिए इनका नाम कंटक पंचमूल रखा गया। ये पांच पांच है, आप लोग गिन सकते हैं। जितने भी पंचमूल बताए गए हैं उसमें पांच पांच प्लांट्स की ग्रुप बनाई गई है। नेक्स्ट नंबर फोर है वल्ली पंचमूल। ये बेल होते हैं, लताएं होती हैं ये पतली वाली। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? विदारी, सारीवा, रजनी, गुड़ुची और अजाश्रिंगी। तो ये सारे बेल होते हैं और ये भी पांच होते हैं। नंबर फाइव में आता है तृण पंचमूल। तृण मतलब घास। तो ये दिखने में घास की तरह होते हैं, उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं ये पांचों। तो इसमें आ जाता है कुश, काश, नल, दर्भ और कांडेक्षु। तो ये आप याद रखिएगा, तृण पंचमूल में कुश, काश, सर, दर्भ और कांडेक्षु भी बताया गया है, एक और आचार्य ने बताया है। तो नल और सर दोनों में से कोई भी एक लिखा हो, दोनों ही सही ऑप्शन है। कुश, काश, नल, दर्भ, इक्षु भी सही है और कुश, काश, सर, दर्भ, इक्षु भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर सिक्स में आता है मध्यम पंचमूल। मध्यम पंचमूल में आ जाते हैं बला, पुनर्नवा, एरंड, मुद्गपर्णी और मांसपर्णी। नेक्स्ट सेवेंथ में आता है जीवनीय पंचमूल। जीवनीय पंचमूल में अभीरु, वीरा, जीवंती, जीवक और ऋषभक। ठीक, तो इस तरह से आप ये पंचमूल सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट है पंचवल्कल। पंचवल्कल इसके जो प्रयोज्यांग है, जो पार्ट यूज होता है, वो होता है बार्क। तो ट्री का जो बार्क होता है, छिलका होता है उसके स्टेम का, वो ज्यादातर यूज होता है। तो इसमें पांच चीजें जो आती हैं वो है वट, वट यानी बरगद का पेड़, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारीश और प्लक्ष। ये पांच प्लांट्स हैं जो आपके पंचवल्कल में आते हैं।
नंबर नाइन में आता है पंचसूरण। पंचसूरण में क्या क्या आता है? अत्यम्लपर्णी, कांडीर, मालाकंद और सूरण द्वय। ये दो होते हैं, दो तरह के सूरण, दोनों ही इसमें आ जाते हैं। नंबर टेन में है पंच पल्लव। पंच पल्लव, पल्लव यानी जो कोमल पत्ते होते हैं उनको पल्लव कहा जाता है। तो इसमें आ जाता है आम्र, आम का पत्ता, जम्बू का पत्ता, कपित, बीजपुर और बिल्व। ठीक है, तो ये पांच होते हैं पंच पल्लव। नेक्स्ट आता है पंच तिक्त। ये तिक्त यानी ये कड़वे होते हैं रस में, और ये पांच पंच तिक्त का ग्रुप बनाते हैं। इनमें आ जाता है गुड़ची, निम्ब मूल त्वक, वासा, कंटकारी और पटोल पत्र। तो ये पंच तिक्त कहलाते हैं। देन है अम्ल पंचक। ये खट्टी चीजें होती हैं, अम्ल रस होता है इसमें। क्या क्या आ जाता है? अम्लवेतस, जंबीर, मातुलुंग, नारंग और निम्बुक। ठीक, तो ये सारे अम्ल पंचक हैं। देन नंबर 13 में त्रिफला। त्रिफला हमने बहुत बार डिस्कस किया है, हरितकी, विभीतकी और आम्लकी इसमें आता है। त्रिकटु, त्रिकटु में शुंठी, पिपली और मरीच आता है। मरीच यानी काली मिर्ची, गोल वाली। ठीक है, चतुर उषण। चतुर उषण में त्रिकटु प्लस पिपली मूल। अगर शुंठी, पिपली, मरीच के साथ आप पिपली मूल मिला दो तो उसको चतुर उषण बोला जाएगा। नेक्स्ट है पंचकोल। नंबर 16 में देखिए, पंचकोल में पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर, ये पांच चीजें आ जाती हैं। षड उष्ण। षड उष्ण होता है पंचकोल में अगर मरीच मिला दिया जाए। तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, नागर प्लस मरीच, ये अगर मरीच इसमें मिला दें तो ये हो जाएगा षड उष्ण। नंबर 18 है त्रिमद। त्रिमद में आ जाता है मुस्ता, विडंग और चित्रक। त्रिसम। नंबर 19 देखिए त्रिसम। त्रिसम में आता है हरितकी, शुंठी और गुड़। हरितकी, शुंठी और गुड़। नंबर 20 में आता है त्रिकर्षिका। त्रिकर्षिका में शुंठी, अतिविषा और मुस्ता, ये ग्रुप बनाते हैं त्रिकर्षिका। देन नंबर 21 में चतुर्भद्र है। चतुर्भद्र में आ जाता है त्रिकर्षिका प्लस गुड़ुची। शुंठी, अतिविषा और मुस्ता के साथ अगर गुड़ुची मिला दिया जाए तो ये चतुर्भद्र कहलाएगा। नेक्स्ट है त्रिजातक। त्रिजातक में त्वक, एला और पत्र, ये खुशबू वाले होते हैं सारे आइटम्स, है ना। त्वक आपका होता है दालचीनी, एला हो गई इलायची और पत्र हो गया तेज पत्ता। ठीक है, तो ये मिलके बनते हैं त्रिजातक। चतुर्जातक में, त्रिजातक में अगर हम नाग केसर मिला दें तो वो बन जाएगा चतुर्जातक। त्वक, एला और पत्र के साथ नाग केसर अगर मिला दिया जाए तो ये चतुर्जातक कहलाएगा। ओके, अब ये यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। राजनिघंटु में लघु पंचमूल को पंच गण भी कहा गया है। तो ये भी टर्म है, अगर पंच गण आया हो तो उसमें भी लघु पंचमूल के ही पांच आप लिखोगे। देन मध्यम पंचमूल और जीवनीय पंचमूल आपके वाग्भट ने भी वर्णन किया है। ठीक, मध्यम पंचमूल और जीवनीय पंचमूल एक हमने देखा था पिछले स्लाइड में, तो उसमें वाग्भट जी ने ये दोनों पंचमूलों का वर्णन किया है, ये बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है नंबर 24 में चतुर्बीज। चतुर्बीज क्या क्या होता है? मेथी का, चंद्रसूर, कालाजाजी और यवानी, ये चार मिलके चतुर्बीज बनाते हैं। नंबर 25 में है महापंचविश। महापंचविश में कौन कौन आता है? श्रृंगिका, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ और शक्तुका, इन पांचों को महापंचविश बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर 26 में देखिए सप्त उपविश। सप्त उपविश, सप्त उपविश में क्या क्या आ जाता है? अर्कशीर, स्नुहिक्षीर, लांगली, करवीर, गुंजा, अहिफेन और धतूरा। ठीक है, तो ये सात मिलके सप्त उपविश बनाते हैं। देन यक्षकर्दम। यक्षकर्दम क्या होता है? इसमें कौन कौन आ जाता है? कर्पूर, अगरु, कंकोल, यक्षधूप और कस्तूरी। ठीक, तो ये यक्षकर्दम कहलाते हैं। देन कटु चतुर्जातक। कटु चतुर्जातक में कौन कौन आता है? एला, त्वक, पत्र और मरीच, इसको कटु चतुर्जातक भी बोला जाता है। नंबर 29 में देखिए पंच सुगंधिका। इसमें कर्पूर, कंकोल, लवंग, गुवाक और जातिफल, ये पांच चीजें आ जाती हैं। इससे जो महक वाली चीजें होती हैं ये पंच सुगंधिका कहलाती हैं। नंबर 30 है सर्वौषधगण। सर्वौषधगण में कुष्ठ, मानसी, हरिद्रा, वचा, मुस्ता, शैलेय, चंदन, मुरा और करचूर,
तो ये आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 चीजें हैं जो सर्व औषध गण में आती हैं। ठीक है, ये 9 है और इसको काउंट करके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर 31 में सुगंधामलक। सुगंधामलक में कौन कौन आता है? सर्व औषध गण युक्त आमलकी त्वक। तो ये 9 के साथ अगर आमलकी त्वक भी मिला दिया जाए तो ये 10 मिलके बन जाएंगे सुगंधामलक। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 32 सर्वगंध। सर्वगंध में कौन कौन आ जाता है? चतुर्जातक, कर्पूर, कंकोल, अगुरु, सिल्हाक और लवंग। ठीक है, तो ये होते हैं सर्वगंध। ये हो गई आपकी 6 चीजें, काउंट करके याद रखिएगा ताकि आपको आप भूल ना जाए कि इसमें 6 चीजें होती हैं। तो सर्वगंध में 6 चीजें हैं, चतुर्जातक, कर्पूर, कंकोल, अगुरु, सिल्हाक और लवंग। नेक्स्ट है नंबर 33 त्रिशर्करा। त्रिशर्करा में आ जाता है शर्करा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गुड़, मधु एंड हिम। तो गुड़ से, मधु से और हिम से जो शर्करा बनती है वो त्रिशर्करा कहलाती है। तीन शर्कराएं, तीन तरह की चीनियां होती हैं। नेक्स्ट नंबर 34 क्षारद्वय। क्षारद्वय में सर्जक्षार और यवक्षार, ये दो चीजें आती हैं। क्षारत्रय में क्षारद्वय प्लस टंकण। अगर सर्जक्षार और यवक्षार में टंकण मिला दिया जाए तो क्षारत्रय कहलाता है। क्षार पंचक में 5 चीजें आ जाती हैं, यव, मुस्तक, सर्ज, पलाश और तिल। तो इन 5 चीजों का क्षार अगर निकाल के मिलाया जाए तो वो क्षार पंचक कहलाती है। देन क्षार षटक, क्षार षटक मतलब 6 चीजें इसमें आती हैं। इसमें क्या क्या रहता है? धव, अपामार्ग, कूटज, लांगली, तिल और मुष्कक। तो ये 6 चीजें इसमें रहती हैं। क्षार अष्टक, इसमें 8 चीजें रहती हैं। क्या क्या है? पलाश, वज्री, शिखरी, चिंचा, अर्क, तिल, नाल, यव और सर्जिका। नेक्स्ट है क्षार दशक, इसमें 10 चीजें रहती हैं। तो इसमें क्या क्या आती हैं? शिग्रु, मूलक, पलाश, चुक्रिका, चित्रक, आद्रक, निम्ब, इक्षु, अपामार्ग और कदली। तो ये 10 चीजों का क्षार अगर मिला दिया जाए तो वो क्षार दशक कहलाएगा। और एक क्षार अष्टक भी है, इसमें भी 8 चीजें आती है। इसमें क्या क्या बताया गया है? कलिंग, कारवेलक, कदली, काकमाची, कुसुम्ब, करकोटक, कुष्मांड और करकटी। तो ये क्षाराष्टक हैं। ये सारे प्लांट्स के नाम देखिए के से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो ये एक क्षाराष्टक बताया गया है। ककाराष्टक गण भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें कलिंग, कालिंग, कारवेलक, कदली, काकमाची, कुसुम्ब, करकोट, कुष्मांड और करकटी, ये 8 क वाली चीजें आती हैं। नेक्स्ट है अम्ल पंचक। अम्ल पंचक में कौन कौन आता है? अम्लवेतस, जंबीर, मातुलुंग, नारंग और निम्बुक। महापंचविष, अभी थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस किया था, श्रृंगिका, कालकूट, मुस्कक, वत्सनाभ और शक्तु। ठीक है, पित्त पंचक। पित्त पंचक में कौन कौन आ जाता है? 5 पित्त ये होते हैं। तो किस किस का पित्त है ये? मत्स्य, मछली का, गो, अश्व, मयूर और नर। ये 5 एनिमल्स का पित्त मिला के पंच पित्त पंचक बनता है। देन षडूष्ण तो पढ़ ही लिया, पंचकोल और मरिच मिला के बनता है। दशमूल, दशमूल में बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, ये 5-5 मिलके 10 प्लांट्स हो जाती हैं जो मिलके दशमूल बनाती हैं। देन स्वल्प त्रिफला। स्वल्प त्रिफला में काश्मीरी, खरजूर और परुषक आता है। त्रिफला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आमलकी, विभितकी और हरितकी है उसमें। ये है स्वल्प त्रिफला। स्वल्प त्रिफला में काश्मीरी, खरजूर और परुषक रहता है। मधुर त्रिफला में खरजूर, द्राक्षा और काश्मीरी रहती है। और सुगंध त्रिफला में जातिफल, पुगफल और लवंग रहता है। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए औषधि गण। तो औषधि गण जैसे आप अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये डिजीज है, वात रोग है, उसमें हम लोग दशमूल का इस्तेमाल करेंगे। किसी में लिखा होगा तृण पंचमूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो किसी डिजीज वाइज ये ऐसे ग्रुप्स में ये प्लांट इस्तेमाल होते हैं। तो इसके हिसाब से इसको औषध गण में ग्रुपिंग किया गया है। नेक्स्ट देखिए वर्ग आता है। वर्ग में जांतव वर्ग आ जाता है, जो कि हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे हमने बताए हैं। आप देखिए इसमें क्या क्या आता है। मृगशृंग, मृगशृंग आपके सर्वस एलिफस, ये आप बारह सिंघा देख रहे हैं, यहाँ पे फोटो दी गई है। इसका ये जो सिंग होता है
इसका इस्तेमाल होता है आपके मेडिसिन में, ठीक है, उसको मृग श्रृंग कहा जाता है। देन नंबर टू देखिए शंख, ये आपका शंख है, ये भी एक एनिमल है, वाटर एनिमल, तो टर्बिनला रैपा, ये आपको याद रखना है। इस एनिमल का जो बॉटनिकल जो नाम है, टैक्सोनॉमिकल नेम है ये, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, टर्बिनला रैपा बोलते हैं इसको। देन है मुक्ता, मुक्ता यानी मोती, ये मोती है यहाँ पे, तो मोतियां जो होती है वो भी किसके अंदर बनती है, सीप के अंदर मोतियां बनती है ना, सीपी के अंदर, तो उसका नाम होता है माइटिलस मार्गोरिटी फेरस, माइटिलस मार्गोरिटी फेरस, तो ये इसके अंदर आपकी मोतियां पाई जाती हैं। देन है कस्तूरी, कस्तूरी इज प्रोड्यूस फ्रॉम मॉस्चस मॉस्चिफेरस, कस्तूरी कोई प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, ये जो मॉस्चस मॉस्चिफेरस ये जो एनिमल है, ये एनिमल है, इसका जो स्क्रॉटम होता है उससे ये कस्तूरी बनती है, उससे सिक्रेशन होता है, उसको कलेक्ट करके कस्तूरी बनाई जाती है। देन है गोरोचन, गोरोचन आपके काउ और ऑक्स, गाय या जो आपकी ऑक्स होती है, बैल होती है, उसके आपके बाइल या गॉल स्टोन में, गॉल ब्लैडर में स्टोन उसके हो जाता है, उसको गोरोचन बोला जाता है, ये भी काफी सारे मेडिसिन में यूज होता है। देन अग्निजार बताया गया है, अग्निजार क्या है, फैटी सब्सटेंस इन द इंटेस्टाइन ऑफ स्पर्म वेल, ठीक है, तो स्पर्म वेल जो होती है उसके इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसमें फैटी सब्सटेंस को डिपॉजिट हुआ रहता है, उसको अग्निजार बोलते हैं। ये कॉन्ट्रोवर्सियल आपके आइटम्स में आता है, ये बहुत ही कम पाया जाता है, कभी कभार समंदर में ये मिल जाता है, ठीक है, तो अग्निजार का इस्तेमाल भी बताया गया है प्राचीन संहिताओं में। देन नेक्स्ट है पूती या खटासी, ये क्या होता है, गंधमार्जार, आपकी जो सिवेट कैट होती है, एक जंगली बिल्ली की तरह ये होती है, विवेरा सिवेटा और सिवेट कैट, इसके वीर्य को, वीर्य यानी इसके जो स्पर्म्स, इसकी जो सीमेन होती है, उसको ये बोला जाता है पूती या खटासी, ठीक है। नेक्स्ट है शुक्ति, शुक्ति आपकी मुक्ता शुक्ति होती है और जल शुक्ति होती है, ये दो तरह की पाई जाती है, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, ओके। इसके बाद आता है इक्षु वर्ग, तो इक्षु आप सभी को पता है ये शुगर केन होती है, तो इसके सिनोनिम में देखिए क्या क्या बताया गया है, दीर्घ छदा, भूरी रस, असी पत्र, मधु तृण और गुड़मूल, ठीक है, गुड़मूल हमने सिनोनिम्स में भी पढ़ा था, इक्षु का सिनोनिम गुड़मूल है, तो ये सारे इसके सिनोनिम है, ये आप याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज में ये मधुर रस का होता है, मधुर विपाक होता है, शीत वीर्य होता है, मूत्र जनक होता है, तो जहां पर यूरिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा होगा सही से, वहां पे आपको इक्षु रस देना चाहिए, और उसका फायदा बहुत अच्छा होता है, वो मूत्र बनाने में हेल्प करता है। शुक्र शोधक होता है और वीर्यवर्धक होता है ये। टाइप्स में सुश्रुत ने 12 प्रकार की इक्षु बताई हैं, भाव प्रकाश ने 13 प्रकार की बताई हैं, चरक ने 4 प्रकार की बताई है और वाग्भट ने 8 प्रकार की इक्षु बताई है। उसके बाद हमारा इसी शुगर केन से गुड़ मिलता है, गुड़ सभी को पता है, गुड़ सभी लोग खाते हैं, तो गुड़ का यूज कैसे किया जाता है, देखिए गुड़ को अगर जल के साथ लिया जाए तो कफ हर होता है, कफ का नाश करता है, गुड़ अगर हरितकी के साथ लिया जाए तो पित्त हर होता है ये, और गुड़ अगर शुंठी के साथ लिया जाए तो ये वात हर होता है। इसके बाद जल वर्ग भी बताया गया है, जल वर्ग के सिनोनिम्स देखिए, जल के शलील, किलाल, पयह, का, वन, अम्ब, अर्न, अमृत, घनरस और जीवन एक्सेट्रा, तो इस तरह से काफी सारे सिनोनिम्स बताए गए हैं जल के। दो तरह के जल बताए गए हैं, एक दिव्य जल होता है, एक भौम जल होता है, जो पृथ्वी के ऊपर भूमि के ऊपर पाया जाता है वो भौम जल होता है, और जो दिव्य जल होता है वो बारिश के पानी को बताया जाता है। टाइप्स ऑफ दिव्य जल में 4 प्रकार के दिव्य जल बताए गए हैं, और भौम जल में 3 प्रकार के और 7 प्रकार के, दो तरह के ये डिविजन्स किए गए हैं भौम जल के। अकॉर्डिंग टू वाग्भट टाइप्स ऑफ जल, वाग्भट के अनुसार इन्होंने 8 प्रकार के जल बताए हैं और अवस्था अनुसार 5 प्रकार के जल बताए गए हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसके लिए आप थोड़ा सा बुक रेफर करिएगा, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, नंबर ये अलग अलग है इसलिए नंबर यहाँ पे बताए गए हैं, ये नंबर आपको याद रखने हैं, और इसको डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप द्रव्यगुण की बुक जरूर रेफर करिए, उसमें बहुत ही अच्छे से लिखा गया है।
देन जल वर्ग के बाद आता है मांस वर्ग। मांस वर्ग के सिनोनिम्स देखिए, क्रव्य, पल, पलल और आमिष, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। जंगल मांस और अनूप मांस, दो तरह के मांस पाए जाते हैं। जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी होते हैं, धरती के ऊपर रहने वाले, वो जंगल मांस में आ जाते हैं, और पानी के अंदर या पानी वाले एरिया में रहने वाले वो सब अनूप मांस में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रस अनुसार ये इम्पोर्टेंट है, पंच रस ग्रुप। तो ये जो हरितकी होती है इसमें पांच रस पाए जाते हैं, लेकिन लवण रस इसमें नहीं होता है, अलवणा होता है ये, इसलिए ठीक है। तो पंच रस एक्सेप्ट लवण होता है हरितकी। मेन इसमें रहता है कषाय रस, ये मधुर विपाक और उष्ण वीर्य का होता है। और पंच रस में अलवण में एक और रहता है आम्लकी। आम्लकी में मेन रस होता है अम्ल रस, ये भी मधुर विपाक का होता है लेकिन शीत वीर्य होता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि पंच रस लवण बिना कौन सा ड्रग है, तो हरितकी और आम्लकी दोनों ही सही आंसर है। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि उष्ण वीर्य है, पंच रस है और उष्ण वीर्य है, तो उसका आंसर हरितकी होगा। पंच रस और शीत वीर्य है तो उसका आंसर होगा आम्लकी। तो ये आपकी हरितकी है और ये आपकी आमलकी है। आंवला तो सभी पहचानते हैं, है ना, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत सारे लोग इसको खाना भी पसंद करते हैं। डेली आप एक एक आमलकी खाया करिए, बहुत ही अच्छा रसायन का काम करता है ये, आपके स्किन को भी बहुत अच्छा रखता है। देन नेक्स्ट है पंचरस अनम्ल। तो अम्ल बिना अगर पूछा गया हो, पांच रस है लेकिन उसमें अम्ल रस नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए कटु विपाक और उष्ण वीर्य ये होता है, इसका आंसर होता है लहसुन। तो लहसुन में पांचों रस पाए जाते हैं लेकिन अम्ल रस नहीं पाया जाता। तो लहसुन के मूल में कटु रस पाया जाता है, उसके पत्र में तिक्त रस पाया जाता है, उसके नाल में कषाय रस पाया जाता है, उसके नाल के अग्र भाग में लवण रस पाया जाता है और बीज में मधुर रस पाया जाता है, ठीक है। तो ये लहसुन का पौधा है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसके हिसाब से कौन से एरिया में कौन सा रस पाया जाता है ये भी आप लोगों को बता दिया, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो डिवीजन किया गया है द्रव्यों का, वो इस तरह से है, द्रव्य वर्ग बताए गए हैं और 50 महाकषाय बताए गए हैं, ठीक है। पंच कषाय शतानी यानी 50 महाकषाय किसने बताए हैं, चरक संहिता में आचार्य चरक ने बताए हैं ये। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सबसे पहले आता है जीवनीय महाकषाय, तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, इसमें सभी में 10-10 आपके ड्रग रहते हैं, जितने भी ये वर्ग हैं 50, सभी में 10-10 ड्रग रहते हैं, 10 each, और टोटल आपके 500 हो जाएगा, 50 महाकषाय में 500 ड्रग रहते हैं, ठीक है। रिपीटेशन भी है, कुछ ड्रग 2 से 3 महाकषाय में आपको मिलेंगे, कुछ ड्रग तो 14-14 महाकषायों में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये रिपीटेशन में भी रहता है, टोटल इसमें आपके 10 प्लांट से एक एक महाकषाय बनता है। तो जीवनी महाकषाय में देखिए, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती और यष्टि मधु पाया जाता है। सेकंड है बृंगणीय महाकषाय, बृंगणीय में क्षीरिणी, दुग्धिका, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी, श्वेत बला को वाट्यायनी बोला जाता है, भद्रौदनी, पीतबला को बोला जाता है, और भद्रवाजी, पयस्या, विधारी गंधा को बोला जाता है, और ऋष्य गंधा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 प्लांट्स हो गए जिनको बृंगणीय वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है लेखनीय, लेखनीय में आपका आ जाता है मुस्तक, कुष्ठ, हरिद्रा, दारु हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चीरबिल्व और हेमवती। हेमवती होती है आपकी श्वेत वचा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वहां पे उस प्लांट का नाम भी बताया गया है, तो ये आप लोग मार्क करिएगा। तो ये लेखनीय के 10 प्लांट्स हो गए। नेक्स्ट है भेदनीय, ये कर्मों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, कौन सा कर्म करते हैं। तो भेदनीय मीन्स ये जो 10 प्लांट्स हैं ये भेदन कर्म करते हैं। संधानीय में ये जो 10 प्लांट्स ये संधान कर्म करते हैं, ओके। तो भेदनीय में कौन कौन आ जाता है, सुवाहा। सुवाहा आपका त्रिवृत का पर्याय है, और अर्क, एरंड, लांगली, दंती, चित्रक, चीरबिल्व, शंखिनी, कटुकी और स्वर्ण क्षीरी। तो ये 10 आ जाते हैं भेदनीय में, ये भेदन कर्म करते हैं। नेक्स्ट है संधानीय, संधानीय में आ जाता है जयष्टि मधु, गुड़ुची, गुड़ुची को मधुपर्णी भी बोला गया है, प्रश्निपर्णी, पाठा, मोचरस, समंगा, लज्जालु को बोला जाता है समंगा,
धातकी, लोध्र, प्रियंगु और कटफल ये मिलके बनते हैं संधानीय महाकषाय। तो जहाँ पे संधान कर्म करने की आवश्यकता हो वहाँ पे आप संधानीय महाकषाय के ड्रग्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दीपनीय महाकषाय। दीपनीय महाकषाय में पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंग बेर, अम्लवेतस, मरिच, अजमोदा, भल्लातकास्थि और हिंगू निर्यास इसमें आते हैं। ये जो 10 ड्रग है ये दीपन कराते हैं यानी अग्नि को बढ़ाते हैं, आपकी भूख को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट नंबर 7 है बल्य। बल्य में आ जाता है ऐंद्री, ऋषभी। ऋषभी में आपका रहेगा कपिकच्छु का पर्याय है ऋषभी, और अतिरसा। अतिरसा आपका शतावरी का पर्याय है। ऋष्य प्रोक्ता मासपर्णी का पर्याय है। पयस्या हो गया क्षीर विदारी। अश्वगंधा स्थिरा हो गई आपकी शालपर्णी, रोहिणी और बला अति बला। ठीक है, तो ये जो 10 ड्रग है इनको बल्य ग्रुप में रखा गया है। अगर कोई पेशेंट बहुत कमजोर है उसको बल की आवश्यकता है तो आप इसमें से ड्रग्स सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 में वर्ण्य। वर्ण्य मीन्स कलर और कम्प्लेक्शन लाने के लिए। तो कौन कौन से उसमें ड्रग आ जाते हैं, चंदन, तुंग या पुन्नाग आता है, पद्मक, उशीर, मधु यानी जष्टिमधु, मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या, अशिता, अशिता यानी श्वेत दुर्वा और लता यानी श्याम दुर्वा। ठीक है, तो दुर्वा जो होती है दूब घास होती है, वो दो तरह की होती है, श्वेत और श्याम वर्ण की होती है, अशिता और लता उसको कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 9 में है कंठ्य। गले के लिए ये अच्छा होता है, गले की कोई कंठ की कोई बीमारी हो या कंठ उसका साफ नहीं है तो उसको आप लोग कंठ्य द्रव्य दे सकते हो। तो इसमें आ जाता है सारिवा, इक्षुमूल, यष्टिमधु, द्राक्षा, विदारी, कैदर्य जो कि कटफल को कहा जाता है, हंसपदी, बृहति और कंटकारी। नेक्स्ट है हृदय। हृदय जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है और ये आपकी रुचि को भी बढ़ाता है। हृदय रुचि के मीनिंग में भी बोला जाता है। तो इसमें आ जाता है आम्र, आम्रातक, लकुच, करमर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवाल। कुवाल आपका राजबदर होता है, बेर बड़ी वाली बेर होती है, बदर, दाड़िम और मातुलुंग। ठीक है, मातुलुंग एक तरह का नींबू होता है। तो ये सारे हृदय होते हैं। ऑलमोस्ट सभी देखिए खट्टे लगते हैं, खट्टे रस वाले होते हैं, तो खट्टे को भी हृदय बताया गया, ये रुचि पैदा करता है खाने में, है ना। नेक्स्ट है तृप्तिग्न। तृप्तिग्न यानी जो कि तृप्ति को हरण कर ले, मतलब जिसको भूख नहीं लग रही है, जिसकी तृप्ति हो गई है, तो उस पेशेंट को आप लोग तृप्तिग्न ड्रग दे सकते हैं। तो उसमें आ जाएगा नागर या शुंठी, चव्य, चित्रक, विडंग, मूर्वा, गुरुचि, वचा, मुस्ता, पिपली और पटोल। नंबर 12 में है अर्शोग्न। अर्शोग्न अर्श के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। कूटज, बिल्व, चित्रक, शुंठी, अतिविषा, अभया, अभया यानी हरितकी, धनवयास, दारु हरिद्रा, वचा और चव्य, ये 10 ड्रग आ जाते हैं अर्शोग्न में। देन नंबर 13 है कुष्ठग्न। कुष्ठग्न यानी स्किन डिजीज में ये बहुत अच्छा काम करता है। उसमें आता है खदिर, अभया, हरितकी को अभया कहते हैं, आमलकी, हरिद्रा, अरुष्कर, सप्तपर्ण, आरगवत, करवीर, विडंग और जाति प्रवाल। ठीक है, तो ये जो 10 ड्रग है उसको आप स्किन डिजीज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 14 है कंडुग्न। कंडुग्न में कौन कौन आ जाता है, कंडु मतलब इचिंग। ठीक है, इचिंग अगर किसी को बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां पे आप लोग कंडुग्न द्रव्य यूज कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएंगे चंदन, नलद, नलद होता है आपका उशीर, कृतमाल, नक्तमाल, आरगवत को बोला गया है कृतमाल, देन निम्ब, कटकूटज, सरसप, मधु, दारु हरिद्रा और मुस्ता। ठीक है, तो ये सारे ड्रग आपके कंडुग्न होते हैं। नंबर 15 में है कृमिग्न। कृमिग्न यानी कृमि का जो नाश करता है, कृमि, कृमि यानी वर्म्स। ठीक है, तो वर्म्स अगर किसी को हो रहे हैं तो उसमें कृमिग्न द्रव्य यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, अक्षीव यानी शिग्रु, सहजन जिसको हम बोलते हैं, मरिच, गंडीर, केबुक, विडंग, निर्गुंडी, किणही, गोक्षूर, वृषपर्णी और आखू पर्णी। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स आपके कृमिघ्न कहे गए हैं। नंबर 16 देखिए विषघ्न। विष पॉइजन, जो कि पॉइजन को हरण करते हैं, पॉइजन को नष्ट कर देते हैं, हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवहा, सुवहा रासना को बोला जाता है, सूक्ष्म एला, पालिंडी, पालिंडी त्रिव्रत को बोला जाता है, चंदन, कतक, शिरीष,
सिंधुवार और श्लेष्मातक, ये 10 ड्रग है, ये विषग। नंबर 17 स्तन्य जनन यानी मिल्क सिक्रेशन को ये बढ़ाता है, मिल्क सिक्रेशन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ड्रग आ जाते हैं मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने वाले? वीरण, सटी, स्वस्तिक, इक्षुवालिका, दर्भ, पुष्काश, गुंद्रा, इतकट और कत्रण। ठीक है, तो ये बताए गए हैं स्तन्य जनन के लिए। स्तन्य शोधन के लिए यानी अगर स्तन्य में मिल्क में कुछ दोष हो तो उसको शोधन करने के लिए हम कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं? पाठा, महौषद यानी शुंठी, सुरदारू, मुस्ता, मूरवा, गुरुचि, वत्सक फल, इंद्र को बोला जाता है वत्सक फल, किरातिक्त, कटुरोहिणी और सारीवा। तो ये ड्रग्स हम लोग यूज कर सकते हैं। नंबर 19 देखिए शुक्र जनन, शुक्र को जनन मतलब उसका प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ये कौन सा है ड्रग आपका? जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, मेदा, वृद्ध रूहा यानी शतावरी, जटिला और कुलिंग। तो ये जो ड्रग्स हैं ये शुक्र जनन होते हैं। नेक्स्ट है शुक्र शोधन, तो शुक्र को साफ करने वाला, उसके दोषों को हटाने वाला, कुष्ठ, एलवालू, कटफल, समुद्र फेन, कदम्ब निर्यास, इक्षु, कांडेक्षु, इक्षुरक, वसुक और उशीर। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आपके शुक्र शोधन होते हैं। नेक्स्ट 21 में है स्नेहोपग, यानी स्नेहन कराने में जो हेल्प करते हैं स्नेहोपग, तो उसमें आ जाते हैं मृद्विका, यष्टिमधु, मधुपर्णी जो कि गुरुचि को कहा जाता है, मेदा, विदारी, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती और शालपर्णी। नेक्स्ट है स्वेदोपक जो कि पसीना निकालने में, स्वेदन कराने में हेल्प करते हैं, शोभांजन यानी शिग्रु, एरंड, अर्क, वृश्चीर, पुनर्नवा, यव, तिल, कुलथ, मांस और बदर। तो ये सारे जो आपके प्लांट्स हैं वो स्वेदोपक होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 23 में वमनोपक, वमनोपक में कौन कौन से ड्रग आ जाते हैं? मधु, यष्टि मधु, कोविदार, गर्भुदार, नीप, विदुल, विदुल होता है आपका समुद्र फल, बिंबी, चरण पुष्पी, सदा पुष्पी जो अर्क को कहा जाता है, और प्रत्येक पुष्पी जो कि अपामार्ग को कहा जाता है। ये सारे वमनोपग होते हैं, ये वमन कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट नंबर 24 है विरेचनोपग, विरेचनोपग आपके विरेचन कर्म कराने में हेल्प करते हैं। तो इसमें आ जाते हैं द्राक्षा, काश्मीरी जो कि गंभारी को बोला जाता है, परुषक, अभया यानी हरितकी, आमल की, विभीतकी, कुवाल, बदर, करकंदू जो कि क्षुद्र बदर होता है और पीलू। तो ये सारे विरेचन उपग होते हैं। नेक्स्ट है आस्थापन उपग, आस्थापन वस्ती में ये हेल्पफुल होते हैं, त्रिवृत, बिल्व, पिप्पली, कुष्ठ, सरसप, वचा, वत्सक फल, इंद्रायव को बोला जाता है, शतपुष्प, यष्टि मधु और मदन फल। ये सारे हैं जो आपके 10 प्लांट्स, ये आस्थापन उपग होते हैं। नेक्स्ट है शिरोविरेचन उपग, तो शिरोविरेचन में ये हेल्प करते हैं, क्या क्या है ये? ज्योतिषमती, शवक, छिक्कीका को बोला गया है, मरिच, पिपली, विडंग, शिग्रु, सरसप, अपामार्ग, तंडुल और श्वेता, श्वेता यानी श्वेता अपराजिता, सफेद अपराजिता और महाश्वेता जो कि नील अपराजिता होती है, नीली वाली। तो ये सारे शिरोविरेचन कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है छर्दी निग्रहण, छर्दी अगर किसी को हो रही है, उल्टी हो रही है, तो उसको बंद कराने के लिए हम कौन कौन से प्लांट यूज कर सकते हैं? जम्बू पल्लव, आम्र पल्लव, मातुलुंग, अम्ल बदर, दाड़िम, यव, यष्टि मधु, उशीर और मृत, मिट्टी और लाजा। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स छर्दी निग्रहण करा सकते हैं। नेक्स्ट है तृष्णा निग्रहण, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो आप उसको क्या दे सकते हैं? आप उसको शुंठी दे सकते हैं, धन्वयास दे सकते हैं, मुस्ता, परपट, चंदन, किरातिक्त, गुरुची, हरीबेर, धान्यक और पटोल। इसमें से आप प्लांट्स चूज करके उसको दे सकते हैं मेडिसिन के तौर पे। नेक्स्ट है नंबर 30 हिक्का निग्रहण, हिक्का निग्रहण के लिए सटी, पुष्कर मूल, बदर बीज, कंटकारी, बृहती, वृक्षरूहा, हरितकी, पिपली, दुरालभा और कुलीर श्रृंगी। ठीक है, तो ये सारे हिक्का निग्रहण करते हैं, हिक्का मतलब हिचकी, तो हिचकी को ये रोकते हैं। नेक्स्ट नंबर 31 है पुरुष संग्रहणीय, पुरुष को बंद करने वाला, संग्रहण करने वाला कौन कौन है? प्रियंगु, अनंता,
आम्रास्थी अरलू लोथरा मोचरस लज्जालु धातकी पुष्प भारंगी और पद्मकेशर ये सब पुरुष को संग्रहण करते हैं रोकते हैं। नंबर 32 पुरुष विरजनीय पुरुष को रंगने वाला कौन होता है जम्बुत्वक शल्लकित्वक कछूरा मधुक शालमली श्रीवेष्टक हृष्टमृत पयस्या उत्पल और तिल। ठीक है तो ये सारे पुरुष विरजनीय होते हैं। देन मूत्र संग्रहणीय मूत्र को रोकने वाला कौन है जम्बू आम्र प्लक्ष वट कपीतन जो पारिश को बोला जाता है उदुम्बर अश्वत्थ भल्लातक अस्मंतक और सोमवल्क। ठीक है तो ये होते हैं मूत्र संग्रहणीय। नेक्स्ट है मूत्र विरजनीय। मूत्र विरजनीय कौन है पद्म उत्पल नलिनी कुमुद सौगंधिक पुंडरिक शतपत्र यष्टिमधु प्रियंगु और धातकी पुष्प। तो ये सारे मूत्र को कलर कर देते हैं विरजनीय होते हैं। मूत्र विरेचनीय मूत्र को जो विरेचन कराता है मूत्र को बढ़ा देता है और बाहर निकालता है बहुत ज्यादा ये कौन कौन होते हैं वृक्षादनी गोक्षूर वासुक वसीर पाषाण भेद दर्भ कुश काश गुंद्रा और इत्कट मूल। ठीक है तो ये सारे मूत्र विरेचनीय होते हैं। नेक्स्ट नंबर 36 में है कासहर। अगर किसी को बहुत खांसी हो रही हो तो आप इस ग्रुप में से ड्रग चूज कर सकते हो। द्राक्षा अभया हरितकी को बोला गया है आमलकी पिप्पली दुरालभा कर्कट श्रृंगी कंटकारी वृश्चीरा पुनर्नवा तामलकी। ठीक है तामलकी आपकी होती है भूमि आमलकी। तो ये सारे कासहर होते हैं। नेक्स्ट देखिए श्वासहर सांस की बीमारी जिसको है उसमें आप इनको यूज कर सकते हैं शटी पुष्कर मूल अम्लवेतस एला हिंगु अगुरु सुरस तुलसी को बोला जाता है तामलकी जीवंती और चंडा चंडा होता है आपका चोर पुष्पी। नेक्स्ट है नंबर 8 शोथहर सूजन को ये कम करता है शोथहर इसमें आ जाता है पाटला अग्निमंथ श्योनाक बिल्व काश्मर्य कंटकारी बृहति शालपन्नी प्रश्निपन्नी और गोक्षूर। नंबर 39 में है ज्वरहर जो फीवर को कम करता है जिसमें आ जाता है आपका सारिवा शर्करा पाठा मंजिष्ठा द्राक्षा पीलू परुष्क हरितकी आमलकी और विभीतकी। नेक्स्ट है नंबर 40 में श्रमहर। श्रमहर आपके श्रम को हरण करता है जब आप थक जाते हैं तो उसको ये कम कर देता है थकावट को। तो इसमें आ जाता है द्राक्षा खरजूर प्रियाल बदर ताड़िम फल्गु परुषक इक्षु यव और षष्टिक धान्य। तो ये जो सारे प्लांट्स हैं 10 ये आपके होते हैं श्रमहर। नेक्स्ट है नंबर 41 में दाह प्रशमन। अगर बहुत ज्यादा जलन हो रही है कहीं पे तो उसको कम करने के लिए क्या करना है दाह प्रशमन ड्रग यूज करना है। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा लाजा चंदन काश्मीरी फल मधुक शर्करा नीलोत्पल उशीर सारिवा गुड़ुची और हरीबेर। शीत प्रशमन ठंडक अगर बहुत ज्यादा लग रही है किसी को तो उसको कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं तगर अगरु धान्यक शुंठी भूतिक जो अजामोदा को बोला गया है पचा कंटकारी अग्निमंथ शोनाक और पिपली। नंबर 43 देखिए उदर्द प्रशमन। उदर्द एक तरह का एलर्जी होता है तो इसको कम करने के लिए दे सकते हैं तिंदुक प्रियाल बदर खदिर कदर श्वेत खदिर को कदर बोलते हैं सप्तपर्ण अश्वकर्ण अर्जुन आसन और अरिमेध। ठीक है तो ये सारे ड्रग्स आप यूज कर सकते हो उदर्द प्रशमन के लिए। नेक्स्ट है नंबर 44 में अंगमर्द प्रशमन। अगर बॉडी एक हो रहा है अंगमर्द आपके बॉडी मलायस या बॉडी एक को बोला जाता है तो इसमें हम लोग दे सकते हैं विदारी गंधा या शालपर्णी प्रश्निपर्णी बृहती कंटकारी एरंड काकोली चंदन उशीर एला और मधुक मधुक होती है यष्टि मधु। नंबर 45 शूल प्रशमन। अगर पेन हो रहा है तो वहां पे क्या दे सकते हैं पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी मरीच अजमोदा अजगंधा जीरक और गंडील। नेक्स्ट है 46 में शोणित स्थापन। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं इसको हम लोग दे सकते हैं मधु यष्टि मधु रुधिर। रुधिर आपका केसर का पर्याय है। देन मोचरस
मृत कपाल, लोथ्र, गैरिक, प्रियंगु, शर्करा और लाचा, तो ये चीजें हम लोग शोणित स्थापन के लिए यूज कर सकते हैं। वेदना स्थापन, वेदना को अगर कहीं पे पेन हो रहा है, वेदना हो रही है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, साल, कटफल, कदम्ब, पद्मक, तुम्ब, मोचरस, शिरीष, वंजूल और वेतस, एलवालुक और अशोक। ठीक है, तो ये प्लांट्स हम लोग वेदना स्थापन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए संज्ञा स्थापन, किसी कोई बेहोश हो गया और उसके उसको होश में लाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, हिंगू, कैटर्य, अरिमेद, वचा, चोरक, वयस्था जो ब्राह्मी को कहा गया है, गोलोमी वचा को कहा गया है, जटिला जटामानसी को कहा गया है, पलंकषा गुगुल को कहा गया है और अशोकरोहिणी, अशोकरोहिणी आपकी होती है कटुक। ठीक है, तो इसको आप लोग संज्ञा स्थापन के लिए यूज कर सकते हो। नंबर 49 में है प्रजा स्थापन, प्रजा यानी जो बच्चे पैदा करने की जो शक्ति होती है या बच्चे जो आपके माता के गर्भ में पल रहे होते हैं उसको प्रजा बोलते हैं, तो उनको स्थापित करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो ऐंद्री, ब्राह्मी, शतवीर्या, शतवीर्या होती है आपकी दुर्वा, सहस्रवीर्या, अमोघा, लक्ष्मणा, अव्यथा, हरितकी, शिवा, अरिष्ट, वाट्य पुष्पी होती है आपकी वला और विश्वक्षेना, विश्वक्षेना होती है आपकी प्रियंगु। नेक्स्ट है नंबर 50 वय स्थापन, तो वय को भी ये रोक लेती है, एजिंग की प्रोसेस को ये कम कर देती है, तो उसमें कौन कौन आते हैं, अमृता या गुरुचि, हरितकी, आमलकी, युक्ता रासना को बोला गया है, श्वेता श्वेता पराजिता को बोला गया है, जीवंती अतिरसा जो सतावरी को बोला गया है, मंडुकपर्णी, स्थिरा शालपर्णी को बोला गया है और पुनर्नवा। तो ये जो 10 प्लांट्स हैं ये वय स्थापन करने में हेल्प करते हैं। सो चरक के 50 महाकषाय जो वर्गीकरण किया गया है उसके बाद देखिए सुश्रुत ने क्या किया है, सुश्रुत ने 37 गण बताए हैं, तो इनके जो 37 गण हैं वो ग्रुपिंग की गई है और उसके सिमिलर एक्शन की वजह से ग्रुपिंग की गई है और कुछ दिखने में भी ये सिमिलर रहते हैं उस तरह से ग्रुपिंग की गई है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आता है विदारी गंधादि गण। विदारी गंधा का ये फोटो आप लोग देख सकते हैं, ये जो ये उसकी प्लांट है, लता होती है और ये विदारी गंध है जो उसका ट्यूबर होता है। सो इसमें कौन कौन से प्लांट आ जाते हैं, विदारी गंधा, विदारी, विश्वदेवा, सहदेवा, गोक्षूर, पृथक पर्णी, शतावरी, सारीवा, कृष्ण सारीवा, जीवक, ऋषभक, मुद्ग पर्णी, मास पर्णी, बृहती, पुनर्नवा, एरंड, हंसपदी, वृश्चिकाली और ऋषभी। तो ये सारे प्लांट्स आपके विदारी गंधादि ग्रुप में आते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वात पित्त हर होती है, शोष, गुल्म, घास, अंगमर्द और ऊर्ध्व श्वास में ये बहुत अच्छा फंक्शन करती हैं। तो ये डिजीज के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, विदारी गंधादि गण के ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 में है आरगवधादि गण। आरगवध का ये पेड़ है, ये लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं आरगवध का ये पेड़ है। सो ये फूल सभी ने देखे होंगे, बहुत सुंदर होते हैं ना। आरगवधादि गण में कौन कौन आ जाते हैं, आरगवध, मदनफल, कंटकी, गोपघंटा, कूटज, पाठा, पाटला, मुरवा, इंद्रयव, सप्तपर्ण, निम्ब, कुरंटक, पित्त सरय को कुरंटक बोला जाता है, दासी कुरंटक, नील सरय को बोला जाता है और गुड़ुची, चित्रक, सारगेष्ठा, करंजद्वय, पटोल, किरात तिक्त और सुसवी। सुसवी आपके कारवेलक या करेले को बोला जाता है। तो ये जो सारे प्लांट्स हैं वो आरगवधादि गण में आते हैं। इसके कर्म क्या होते हैं, ये श्लेष महर होता है यानी कफ का नाश करता है, विष, मेह, कुष्ठ, ज्वर, छर्दी, कंडू और व्रण का शोधन करता है ये। ठीक है, और इन सारी बीमारियों में आप आरगवधादि गण के ड्रग्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 में है सालसरादि गण। सालसरादि में देखिए सालसार, अजाकर्ण, खदीर, कदर, कालस्कंधा, क्रमुक, भूर्ज, मेष श्रृंगी, तिनिश, चंदन, पूचंदन, सिंसपा, शिरीष, असन, धव, अर्जुन, ताल, साक, नक्तमाल, पुतिक, अश्वकर्ण, अगुर और कालियक। तो ये कालियक पित्त चंदन को बोला जाता है। इसके कर्म क्या बताए गए हैं, कफ मेदो हर होता है, कफ और मेद का शोषण करता है ये,
कुष्ठ मेह और पांडु में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, नंबर फोर में है वरुणादिगण। वरुणादिगण में कौन कौन आते हैं? वरुण, आर्तगल, शिग्रु, मधु शिग्रु, तरकारी, मेष श्रृंगी, पुतिक, नक्तमाल, मोरट, अग्निमंथ, सैरेयक द्वय, बिंबी, वसुक, बशीर, चित्रक, शतावरी, बिल्व, अजाश्रृंगी, दर्भा और बृहति द्वय। ठीक है, बृहति द्वय में है बृहति और कंटकारी। तो इनका फंक्शन क्या है? कफ में दोहर होते हैं, शिरशूल नाश करते हैं, गुल्म और आभ्यंतर विद्रधि में आप वरुणादि ग्रुप के, वरुणादि गण के प्लांट्स में से आप यूज कर सकते हो। ये राइट साइड में आप लोग जो फोटो देख रहे हैं, ये वरुण की फोटो है। वरुण जो आपका पेड़ होता है, ये उसकी फोटो है। ठीक है, और ये किडनी के ऊपर काफी अच्छा काम करता है वरुण। नेक्स्ट देखिए वीरतरवादिगण। वीरतरवादिगण में कौन कौन आते हैं? वीरतारु, सहचरद्वय, दर्भ, वृक्षादनी, गुंद्रा, नल, कुश, काश, पाषाणभेद, अग्निमंत, मोरट, वासुक, वसीर, भल्लुक, कुरंटक, इंदिवार, कपोतवंका और गोक्षुरा। ठीक है, तो ये सारे रक्स आपके वीरतरवादिगण में आ जाते हैं। और इनके यूज में क्या है? वातहर, अश्मरी, शर्करा, मूत्र कृच्छ और मूत्र घात हुई नाश करते हैं। नेक्स्ट है लोध्रादिगण। लोध्रादिगण में आप ये फोटो देख सकते हैं, ये लोध्र की है। लोध्र का जो पेड़ होता है, ये उसकी फोटो है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? लोध्र, सावर लोध्र, पलाश, कुटन्नट, कुटन्नटा, अशोक, फंजी, कटफल, एलवालुक, शल्लकी, जिंगिनी, कदम्ब, साल और कदली। ठीक है, तो ये सारे प्लांट्स, ये सारे ट्रीज इसमें आ जाते हैं लोध्रादिगण में। इनका काम क्या है? ये मेदो कफहर होते हैं, स्तंभन कर्म करते हैं, वर्ण्य होते हैं, विषहर होते हैं और योनि दोष का ये नाश करते हैं। नेक्स्ट देखिए अर्कादिगण। अर्कादिगण में क्या क्या आ जाते हैं? अर्क, अलर्क, करंज द्वय, नागदंती, मयूरक, भारंगी, रासना, इंद्र पुष्पी, शुद्र श्वेता, महाश्वेता, वृश्चिकाली, अलवणा और तापस वृक्ष। अलवणा आपकी ज्योतिषमती को कहा गया है। तो ये सारे अर्कादि गण में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज है कफ मेदोहर, विषहर, व्रण शोधन और कृमि कुष्ठ का ये नाश करते हैं। नंबर एट में है सूरसादि गण। सूरसादि, सूरस आपके तुलसी को बोला गया है। इन गणों का जो स्टार्टिंग ड्रग होता है, उसी के नाम पे गण का नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये सुरसादि गण में क्या क्या आ जाता है? सुरसा या तुलसी, श्वेत सुरसा, फणिजक, आर्जक, भूस्त्रिण, सुगंधा, सुमुख, कालमाला, उठेरक, कासमर्द, शवक, खरपुष्पा, विडंग, कटफल, सुरसी, निर्गुंडी, कुलाहल या मुंडी, उंदुरु कर्णिका, फंजी, काकमाची, प्राचीबल और विषमुष्टि। तो ये सारे ड्रग्स इसमें बताए गए हैं सुरसादि गण में। इंडिकेशंस देखिए, ये कफहर होते हैं, कृमि, अरुचि, प्रतिक्षय, श्वास, कास और को नाश करते हैं और व्रण का शोधन करते हैं। यहाँ पे तुलसी का प्लांट भी है, आप लोग देख सकते हैं। सभी ने तुलसी का पौधा देखा होगा ना, सबके घर के आंगन में लगा होता है और ये पूजा भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर नाइन में आता है मुष्ककादि गण। मुष्ककादि में कौन कौन आ जाते हैं? मुष्कक, पलाश, धव, चित्रक, मदनफल, वृक्षक, शिंशपा, वज्रवृक्ष, यस्नुही और त्रिफला। तो ये सारे आपके मुष्ककादि गण में आते हैं। इनका कर्म क्या होता है? मेदोघ्न होते हैं, ये शुक्र दोषहर होते हैं, मेह, अर्श, पांडु और अश्मरी का नाश करते हैं। नंबर टेन में आता है पिपल्यादिगण। पिपल्यादिगण में ये फोटो आप पिपली की देख सकते हैं। पिपली प्लांट की ये फोटो है, ये इसकी फली है पिपली की। तो इसमें कौन कौन आ जाता है? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, मरिच, गज पिपली, हरेणुका, एला, अजमोदा, इंद्रयव, पाठा, जीरक, सरसप, महानिम्ब फल, हिंगू, भारंगी, मधुरसा, अतिविषा, वचा, विडंग और कटु। तो ये सारे आपके पिपल्यादि गण में आ जाते हैं। इनके कर्म क्या है? वात कफ हर, दीपन पाचन, अरुचि, प्रतिक्षय, गुल्म और शूल रोग में ये काफी हेल्पफुल होते हैं।
नेक्स्ट नंबर 11 है एलादिगण। एलादिगण में कौन कौन आते हैं देखिए, एला की ये प्लांट आप लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, छोटी एला है ये, तो इसमें आ जाता है एला, पुष्ट तगर, जटामांसी, ध्यामक, रोहिस जिसको बोला जाता है, त्वक पत्र, नागपुष्प, प्रियंगु, हरेणुका, व्याघ्रनक, शुक्ति, चंदा, चंदा चंडा बोला जाता है, स्थौणेयक, श्रीवेष्टक, चोच, चोरक, एलवालुक, गुकुल, सर्जरस, तुरुष्क, कुंदुरु, अगुरु, स्फ्रिक्का, उशीर, भद्रदारु, कुमकुम, पुन्नाग और केसर। ठीक है, तो ये सारे आपके आ जाते हैं एलादिगण में। देन इसके कर्म क्या क्या बताए गए हैं, वात कफ हर होता है, वर्ण प्रसादन करता है, विषहर होता है, कंडू और होठ में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 में है वचादिगण। वचादिगण में वचा, मुस्ता, अतिविषा, अभया, भद्रदारु और नागकेसर, ये सारे ड्रग्स आते हैं, ये दोषों का पाचन करते हैं, स्तन्य शोधन करते हैं और अमातिसार, आमातिसार को ये हरण करते हैं, यानी आम युक्त जो अतिसार होता है उसमें ये बहुत अच्छा काम करते हैं, आम पाचन करा देते हैं। नेक्स्ट नंबर 13 है हरिद्रादिगण। हरिद्रा यानी हल्दी, तो हरिद्रादिगण में कौन कौन आते हैं, हरिद्रा, दारु हरिद्रा, कलसी, वृष्णिपर्णी को बोला गया है, इंद्रयव और यष्टि मधु, तो ये सारे आपके हरिद्रादिगण में आते हैं। इनके फंक्शन क्या है, दोष पाचन, स्तन्य शोधन और आमातिसार है, ये भी आमातिसार को सही करते हैं। नेक्स्ट है श्यामादिगण। ये श्यामा त्रिवृत की पिक है, श्यामा त्रिवृत की ये पिक है, तो ये आप लोग ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, श्यामा, महाश्यामा, त्रिवृत दंती, संखिनी, तिलवक, कंपीलक, रम्यक, महानिम को बोला गया है, क्रमुक, पुत्रश्रेणी, पुत्रश्रेणी द्रवंती को बोला गया है, गवाक्षी, राजवृक्ष, गुरुची, करंज द्वय, सप्तला, छागलांत्री, छागलांत्री वृद्धदारु का ही एक भेद है, और सुधा उन्हीं को बोला गया है। नेक्स्ट है स्वर्णक्षीरी। तो स्वर्णक्षीरी ये सारे जो प्लांट्स हैं वो आपके श्यामादिगण में आते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, विट का भेदन, तो जो मल होता है उसका ये भेदन कर्म कराता है, आनाह, गुल्म, विष, उदर और उदावर्त में ये बहुत हेल्प करता है। नंबर 15 है बृहत्यादिगण। बृहत्यादिगण में बृहति, कंटकारी, इंद्रयव, पाठा और यष्टि मधु आता है, और ये क्या करते हैं, ये त्रिदोष हर होते हैं, पाचनीय होते हैं, अरोचक, हृदरोग और मूत्र कृच्छ का ये नाश करते हैं। नेक्स्ट है पटोलादिगण। पटोलादिगण में आ जाते हैं पटोल, चंदन, कुचंदन, मूरवा, गुड़ुची, पाठा और कटुकी, ये पित्त कफ हर होते हैं, ज्वर और व्रण, छर्दी, कंडू और विष का ये नाशन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 17 में है काकुल्यादिगण। काकुल्यादि में काकुली, क्षीर काकुली, जीवक, ऋषभक, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, मेधा, महामेधा, गुड़ुची, कर्कट श्रृंगी, तुगाक्षीरी, पद्मका, प्रपौंड्रिक, रिद्धि वृद्धि, मृद्विका, जीवंती और यष्टि मधु इसमें आते हैं। नेक्स्ट इसके फंक्शन में क्या क्या बताया गया है, वात पित्त हर, रक्त दोष हर, श्लेष्मकर, जीवनीय, वृंगनीय, वृष्य और स्तन्य बताए गए हैं। नेक्स्ट है ऊषकादिगण। ऊषकादिगण में ऊषक, सैंधव लवण, शिलाजत्तु, काशीष द्वय और हिंगू और तुत ये आते हैं ऊषकादिगण में। इसके कर्म में क्या क्या बताए गए हैं, कफमेदो हर होता है, अश्मरी, शर्करा, मूत्र कृच्छ और गुल्म का ये नाश करता है। नेक्स्ट है सारीवादिगण। सारीवादिगण में सारीवा, मधुक, चंदन, कुचंदन, पद्मक, काश्मरी फल, मधु पुष्प और उशीर, तो ये सारे ड्रग्स आ जाते हैं, और ये रक्त पित्त हर होता है, पिपासाग्न होता है, पित्त ज्वर हर होता है और दाह शमन करता है। नंबर 20 में है अंजनादिगण। यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हैं, सारीवा की फोटो है, ठीक है, श्वेत सारीवा की ये फोटो है, तो इस ये ऐसे नीचे ग्राउंड में ये फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 20 में है अंजनादिगण। अंजनादिगण में क्या क्या आता है, अंजन, रसांजन, नागपुष्प, प्रियंगु, नीलोत्पल, नलद, नलिन और केसर और यष्टि मधु, ये होते हैं अंजनादिगण में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, रक्त पित्त हर, दाह प्रशमन और विष प्रशमन ये करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 21,
नंबर 21 है परुषकादिगण। परुषकादिगण में कौन कौन आते हैं? परुषक, द्राक्षा, कटफल, दाड़िम, राजादन, कतक, शाकफल और त्रिफला। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये वातहर होते हैं, पिपासाग्न होते हैं, रुच्य, हृदय और मूत्र दोष हर होते हैं। नंबर 22 में आता है प्रियंगुआदिगण। इसमें प्रियंगु, समंगा, धातकी, पुन्नाग, नागपुष्प, चंदन, कुचंदन, मोचरस, रसांजन, कुंभिका, श्रोतोंजन, पद्मकेशर, योजनवल्ली जो कि मंजिष्ठा को बोला गया है, और दीर्घमूल, दुरालभा को कहा जाता है। ये सारे ड्रग्स इसमें आ जाते हैं। और ये क्या करते हैं? पक्वातिसार हर होते हैं, क्षत संधान कर होते हैं, कहीं पे अगर चोट लग जाए तो ये उसको संधान करने में हेल्प करते हैं। पित्तहर और व्रण रोपण का काम कराते हैं, हीलिंग का काम कराते हैं। नंबर 23 में है अम्बष्ठादि। अम्बष्ठा आपके पाठा को बोला गया है, ये अम्बष्ठा की फोटो है, पाठा आपका कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसमें पाठा, धातकी, कुसुम, समंगा, कटवंग, यष्टिमधु, बिल्वपेशिका, सावरलोध्र, पलाश, नंदी वृक्ष और गंभारी को बोला जाता है नंदी वृक्ष, और पद्मकेशर, ये सारे प्लांट्स इसमें आ जाते हैं। ये पक्वातिसार हर होते हैं, ये भी क्षत संधान कर होते हैं, पित्तहर और व्रण रोपण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 24 में न्यग्रोदाधिगण। न्यग्रोध आपका ये होता है वट का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़। तो न्यग्रोध, उदुम्बर, प्लक्ष, अश्वत्थ, मधुक, काकुब, कपीतन, आम्र, कोशाम्र, चोरक, लाक्षा वृक्ष को चोरक बोला गया है, चंबू द्वय, प्रियाल, यष्टि मधु कटुकी, वंजूल, कदम्ब, बदरी, तिंदुक, शल्लकी, लोध्र, सावरलोध्र, भल्लातक, पलाश और नंदी वृक्ष। तो ये सारे आपके जो पेड़ हैं वो न्यग्रोदादि गण में आते हैं। इसके कर्म क्या है? ब्रण्य है ये, संग्राही है, रक्तपित्त हर है, मेदोहर है, दाह हर, भग्न संधानक, कोई चीज टूटी हुई हो तो उसको जोड़ने में हेल्प करता है, जैसे हड्डी अगर टूट गई तो वहां पे इसका लेप वगैरह आप लगा सकते हो। देन योनि दोष हर होता है। नंबर 25 में है गुड़ुच्ची आदि गण। गुड़ुची, निम्ब, कुस्तुम्बरु, चंदन और पद्मक इसमें आते हैं, ये दीपन कराते हैं, दाह हर होते हैं, हृल्लास, सर्वज्वर और छर्दी पिपासा को ये नाश करते हैं। नंबर 26 है उत्पलादिगण। उत्पल, रक्तोत्पल, कुमुद, सौगंधिक, कुवल्या और पुंडरिक और यष्टिमधु इसमें आ जाते हैं। ये रक्तपित्त हर होता है, पिपासा, विष, हृदरोग, छर्दी और मूर्छा को ये नाश करता है। नंबर 27 है मुस्तादिगण। मुस्ता, हरिद्रा, दारु हरिद्रा, वचा, हरितकी, आमलकी, विभीतकी, पुष्ट, हेमवती, पाठा, कटुकी, सारगेष्टा, अतिविषा, द्राविड़ी, एला को बोला गया, भल्लातक और चित्रक, ये सारे ड्रग्स आपके मुस्तादि गण में आते हैं। और ये श्लेष्म हर होते हैं, योनि दोष हर होते हैं, स्तन्य शोधन कराते हैं और पाचनीय होते हैं। नंबर 28 में देखिए त्रिफला। त्रिफला सबको पता है, हरितकी, आमलकी, विभीतकी। इसके कर्म क्या है? कफपित्त हर है, दीपनीय है, चक्षुष, आंखों के लिए अच्छा होता है, मेह, कुष्ठ और विषम ज्वर को ये नाश करता है। देन आता है त्रिकटु। पिपली, मरीच और सुंठी को त्रिकटु कहा जाता है। कफ में दो हर होता है, दीपनीय होता है, मेह, कुष्ठ, गुल्म, पीनस और अग्निमांद्य को ये नाश करता है। नेक्स्ट है आमलकी आदिगण। आमलकी, हरितकी, पिपली और चित्रक, ये चार प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। ये कफहर होता है, दीपनीय होता है, चक्षुष, वृष्य, सर्वज्वर और अरोचक को ये नाश करता है। नेक्स्ट नंबर 31 में है त्रपवादिगण। इसमें त्रपु या वंग को बोला जाता है, त्रपु, शीशा, नाग को बोला जाता है, ताम्र, रजत, स्वर्ण, कृष्ण लोह और लोहमल, मंडूर को लोहमल बोला जाता है, इन सबको मिला के त्रपवादी गण बनता है। तो ये सारे आपके मेटल्स एंड मिनरल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? ये गर्भ विष का नाश करता है, मेह, कृमि, हृदरोग और पांडु को भी ये सही करता है। नंबर 32 है लाक्षादिगण। यहाँ राइट साइड में आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, लाक्षा वृक्ष का ये पिक्चर है। और ये लाक्षा जो कीड़ा होता है, कीड़ा अपना घर बनाता है, उसी को, उसी का जो सिक्रेशन होता है उसको लाक्षा बोलते हैं। ये बाद में ये कलेक्शन किया गया है। तो इसमें कौन कौन आते हैं? लाक्षा,
आरेवत आरेवत को बोला गया है, कूटज अश्वमार कटफल हरिद्राद्वय निम्ब मालती सप्तछदा और त्रायमार, ये सारे आपके लाक्षादि गण में आते हैं। देन इसका यूज क्या है, ये कषाय तिक्त और मधुर रस वाले होते हैं, ये कफ पित्त हर होते हैं, कुष्ठ कृमि और दुष्ट व्रण का ये नाश करते हैं। नंबर 33 देखिए, लघु पंचमूल ये हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले, तो सुश्रुत ने भी ये माना है, त्रिकंटक बृहति कंटकारी कृष्णिपर्णी और शालपर्णी को लघु पंचमूल बताया है, ये कषाय तिक्त मधुर रस वाला होता है, वात पित्त हर होता है, बल्य और वृंघणीय होता है। नंबर 34 देखिए, महापंचमूल बिल्व अग्निमंत टुमटुक पाटला और काश्मीरी महापंचमूल बताया गया है, ये तिक्त मधुर रस युक्त होता है और कफ वातहर होता है, लघु विपाक और दीपनीय होता है। वल्ली पंचमूल इन्होंने माना है विदारी सारी व रजनी गुड़िची और अजाश्रृंगी, ये रक्त पित्त हर होता है, शोफ और त्रय का हर करता है, तीनों शोफ का, वात पित्त और कफ तीनों शोफ का ये हरण करता है, मेह हर होता है और शुक्र दोष हर होता है। नेक्स्ट है कंटक पंचमूल, कंटक पंचमूल में करमर्द त्रिकंटक सैरेयक शतावरी और गृध्र नखा जाता है, इसकी रक्त पित्त हर होता है, शोफ त्रय हर होता है और शुक्र दोष हर होता है। नेक्स्ट है तृण पंचमूल, तृण पंचमूल में कुशकाश नल दर्भ और कांडेक्षु आते हैं और ये रक्त पित्त हर होते हैं और मूत्र दोष हर होते हैं। तो ये हो गए 37 जो सुश्रुत ने बताए हैं गण, 37 गण उन्होंने बताए हैं, तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या रहता है ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद बहुत सारे आहार हमारे बताए गए हैं जो कि जिनका डिवीजन किया गया है। देखिए आहार वर्ग का क्या क्या डिवीजन किया गया हमारे बृहत्त्रय में, बृहत्त्रय में हमारे चरक संहिता सुश्रुत संहिता और अष्टांग आपका आ जाता है, तो ये तीनों में अलग अलग तरह का बताया गया है। चरक संहिता में 12 वर्ग बताए गए हैं जिसमें शुक धान्य शमी धान्य मांस वर्ग शाक वर्ग फल वर्ग हरित मध्य अम्बु गोरस इक्षु वर्ग कृतान्न वर्ग और आहार उपयोगी वर्ग आपका बताया गया है। 12 वर्गों में ये डिवीजन किया गया है चरक संहिता में, आपको मिलेगा सूत्र स्थान में, वो आप लोग देखिएगा चरक संहिता खोल के एक बार, तो उसमें सारे वर्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता में द्रव वर्ग 10 बताए गए हैं और अन्न द्रव्यों के वर्ग 13 बताए गए हैं। द्रव वर्ग में जल क्षीर दधि तक्र घृत तेल मधु इक्षु मध्य और मूत्र बताया गया है, और अन्न में शाली कुधान्य पैदल मांस फल शाक पुष्प कंद लवण क्षार धातु रत्न और कृतान्न वर्ग बताए गए हैं। ठीक है, तो ये 13 प्रकार के हैं अन्न द्रव्य और 10 प्रकार के द्रव द्रव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह में क्या बताया गया, द्रव द्रव्य 6 प्रकार के और अन्न द्रव्य 6 प्रकार के बताए हैं इन्होंने। तो द्रव द्रव्य में जल क्षीर इक्षु तेल मध्य और मूत्र इतने ही इन्होंने बताए हैं, इन्होंने ज्यादा नहीं बताए। अन्न द्रव्य में भी इन्होंने कम बताए हैं, शुक धान्य सिंबी धान्य कृतान्न मांस शाक और फल वर्ग इन्होंने सिर्फ बताया है। अष्टांग हृदय में और कम हो गए, द्रव द्रव्य इन्होंने 5 ही बताए और अन्न द्रव्य 7 बताए। तो इन्होंने क्या किया है, जल क्षीर इक्षु तेल और मध्य बताया है, इन्होंने मूत्र वर्ग नहीं माना है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मूत्र वर्ग किसने नहीं माना है, तो इसमें आ जाएगा अष्टांग हृदय, इन्होंने मूत्र वर्ग नहीं माना है। देन अन्न द्रव्य में इन्होंने 7 प्रकार का बताया है, शुक धान्य शिम्बी धान्य कृतान्न वर्ग मांस वर्ग शाक वर्ग फल वर्ग और एक बताया है औषध वर्ग। ठीक है, तो ये जो 6 हैं ऊपर के ये अष्टांग संग्रहकार ने भी माने हैं और इन्होंने एक्स्ट्रा अष्टांग हृदयकार ने औषध वर्ग एक एक्स्ट्रा बताया है। तो आज हम लोगों ने प्लांट के ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा, कैसे इनको गण में बताया गया है, वर्गों में डिवीजन किया गया है और अन्न वर्ग द्रव वर्ग ये सब भी बताया गया है ना। तो सुश्रुत ने 37 वर्ग बताए हैं, वो भी हमने पढ़ा। चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं, वो भी हमने पढ़ा। और औषध गण भी हमने पढ़ा, कैसे ग्रुप में इनको बुलाया जाता है, पंचमूल बुलाया जाता है, दशमूल बुलाया जाता है, त्रिकटु त्रिफला, और इनके कुछ कुछ फंक्शंस भी हम लोगों ने पढ़े। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी नोट्स डिस्कस करेंगे द्रव्यगुण के। द्रव्यगुण एक्चुअली बहुत ही बड़ा आपका सब्जेक्ट है,
तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लासेस इसमें लग रहा है इसके नोट्स डिस्कस करने में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम लोग और क्लासेस द्रव्यगुण के डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे द्रव्यगुण के। आप लोग तब तक हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस नेक्स्ट अपलोड की जाएं वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और इसके साथ आप लोग ये वीडियोस खूब शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को ताकि वो लोग भी घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर पाए, है ना। और इम्पोर्टेंट नोट्स तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके साथ आप लोग द्रव्यगुण की किताब भी देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। ये सिर्फ एग्जाम से पहले आपको थोड़ा रिवीजन कराने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए जा रहे हैं वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खाइए पिए मस्त रहिए एकदम, और थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरा नमस्कार।